ये नाइन्थ के एग्जाम के बाद अपनी मम्मी को बोलने लगा कि स्कूल चेंज कर, स्कूल में ये कौन सा करना लगा आकाश में, आकाश में 70% उसको लोगो चमक रहे हैं। और अब आप लोग यहाँ पे थाने पहुँचे हैं, क्या मांग कर रहे हैं? मैं मांग यही कर रही हूँ कि मेरे बच्चे को न्याय चाहिए। मैडम मेरे घर आई और घर आने के बाद मैं वो घर में घुसी और मैं मंदिर निकल रही थी। उसके बाद मैं वापस लौटती हूँ तो मेरे बच्चा फांसी लगा लिया और उस वक्त मैडम है। मुझे न्याय चाहिए कि मैडम को जमानत नहीं होनी चाहिए। क्या बातें हुई थी, कुछ ऐसा बताता था क्या बाबू? नहीं, कभी डरा हुआ था, डरा हुआ था मेरा बच्चा, कभी उसने इस बात की चर्चा नहीं की। क्या चाहती थी, क्या बोलती थी मैडम, जो आप लोगों को जानकारी लगी है? मुझे जानकारी यही लगी कि यदि अपने पेरेंट्स को बताओगी, माँ को कुछ बताओगी तो तुम्हारी माँ का मर्डर कर देगी, इसलिए मेरा बच्चा ने मुझे कुछ भी बातें सारी जानकारी देकर गया, सारी जानकारी उसने दिया है जो हमारे पास साइबर के थ्रू सारी जानकारी है। हाँ, इसीलिए 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 1:30 तक रखना, ठीक ठीक है ठीक। ये दिनांक 18 मार्च को एक घटना हुई थी जिसमें ओम प्रखर श्रीवास्तव जो माइनर था, 17 साल का था, उसने फांसी लगाकर अपने घर में आत्महत्या कर लिया था, जिसकी मार्ग जांच गंभीरता से तुरुआ पुलिस द्वारा की जा रही थी और उनके परिजनों द्वारा और मृतक ने स्वयं सोशल मीडिया के माध्यम से कुछ बातें कही थी, जिस पर जांच दौरान लगातार उसमें गंभीरता से हम जांच कर रहे हैं और जांच में उनके परिचित और संबंधित जो शिक्षिका हैं संबंधित स्कूल के, उनसे भी बयान दिया गया है और उनको संदेही के तौर पर उनसे पूछताछ जारी है। इसमें जल्दी ही निराकरण करके अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। क्या बातें निकल के आ रही है शिक्षिका और ये बालक के बीच में? मृतक ने जो अपनी बात कही थी सुसाइड नोट के माध्यम से, वो उसने कुछ लोगों से शेयर भी किया था और जो टेलीग्राम सोशल मीडिया है उसके माध्यम से भी उसने कुछ शेड्यूल टाइमिंग के आधार पर कुछ जो मैसेजेस किए थे वो भी पुलिस के समक्ष आ चुके हैं। उसके आधार पर वैधानिक कार्रवाई पुलिस कर रही है और बहुत जल्दी इस पर प्रथम सूचना पत्र के आधार पर आगे कार्रवाई की जाएगी।